अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर आलिया। नाज़रीन, पैगम्बरे इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने पर ये जमीन 10 दिनार में दो यतीमों साहिल और सुहेल से खरीदी थी। इससे कबल ये जमीन खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। पैगम्बरे इस्लाम ने खुद इस मस्जिद की तमीर में शिरकत की थी। तमीर के लिए पत्थर की बुनियादों का इस्तेमाल किया गया और मट्टी की दीवारें बनाई गईं। खजूरों के दरख्तों के तने और शाखें छत के लिए इस्तेमाल की गईं। उस वक्त मस्जिद के तीन दरवाजे थे और उसका रख मस्जिद अक्सा की जानिब था, जो कि उस वक्त का किबला था। इसमें गरीबों और मुसाफिरों को पनाह देने के लिए एक सायादार हिस्सा भी बनाया गया था। बाद में किबले का रुख तब्दील करके काबे की जानिब कर दिया गया था और एक दरवाजे को बंद करके दूसरी सिमत में एक और दरवाजा बना दिया गया था। नाज़रीन, जब सहाबा ने पैगम्बरे इस्लाम को तजवीज दी कि छत को गारे से पुख्ता कर दिया जाए, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये छत अरीशे मूसा की तरह रहेगी, मूसा की छप्पर नुमा छत की तरह। इसके तीन साल बाद तक फर्श को किसी चीज से ढका नहीं गया था। मस्जिद के तर्जमान का कहना है कि मस्जिद का इब्तदाई रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था और हिजरत के 7 साल बाद पैगम्बरे इस्लाम की हदायत पर उसे बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया था। पैगम्बरे इस्लाम का मकान मस्जिद के बिल्कुल साथ बनाया गया और वहां ही उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी अहलिया हजरत आयशा के हुजरे में उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। डॉक्टर ज़रीवा कहते हैं कि जब पैगम्बरे इस्लाम की वफात हुई और उनके साथी उनकी तदफीन के लिए बेहतरीन मुकाम का इंतखाब कर रहे थे, तो हजरत अबू बकर ने उन्हें बताया कि पैगम्बरे इस्लाम कह चुके थे कि नबियों को वहीं दफनाया जाता है जहां अल्लाह उनकी रूह निकालता है। नाज़रीन, जब खलीफा अव्वल बीमार हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से इजाजत मांगी कि क्या वो उनके हुजरे में पैगम्बरे इस्लाम के करीब दफन हो सकते हैं, जिस पर हजरत आयशा ने रजामंदी जाहिर कर दी। खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब ने भी ऐसा ही किया और उन्हें भी पैगम्बरे इस्लाम और पहले खलीफा हजरत अबू बकर के करीब दफन होने की इजाजत मिल गई। ताहम कई सदियों में मस्जिद के फैलाव की वजह से कब्रों वाला ये हुजरा मस्जिद के अंदर आ गया। मस्जिद नबवी का मारूफ सब्ज गुम्बद इस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है। मस्जिद नबवी का रकबा सिर्फ 98 ज़र्ब 115 फुट था। ताहम आने वाले अदवार में मस्जिद को कई मरतबा वसत दी गई ताकि दुनिया भर से आने वाले लोगों, खास तौर पर हजाज कराम के लिए एक वक्त में नमाज अदा करने की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश पैदा की जा सके। इसी तरह वसत पाते पाते मस्जिद नबवी इतनी वसी हो चुकी है कि अब मस्जिद के बिरूनी दीवार अब जन्नतुल बकी के कब्रस्तान से मिल गई है, जो पैगम्बरे इस्लाम की जिंदगी में शहर के मजाफात में था। जन्नतुल बकी का तारीखी कब्रस्तान, जो अब मस्जिद की मगरबी दीवार के बाहर है, इन चंद इमारतों और जगहों में शामिल है जो मस्जिद के चारों अतराफ मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए अहम है क्योंकि यहाँ पैगम्बरे इस्लाम की अहलिया, बेटी और दीगर रिश्तेदारों की कबूर हैं। मस्जिद के अहाते के गिर्द जो दीगर इमारतें और जगह हैं, उनमें सऊदी हुकूमत के अदारे, हस्पताल, शॉपिंग मॉल, पुरतईश होटल और बड़ी शाहराहें शामिल हैं। मदीना की मस्जिद नबवी और मक्का की मस्जिद अल हराम दोनों का इंतजाम एक खसूसी अदारा चलाता है, जबकि मस्जिद की निगरानी की जिम्मेदारी सऊदी शाही खानदान की है और सऊदी बादशाह खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना में वाकया मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है और इसे पैगम्बरे इस्लाम की जिंदगी में उनके हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी। नाज़रीन, इस्लामी रवायात के मुताबिक मस्जिद नबी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद अल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगम्बरे इस्लाम ने यह मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तमीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तमीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इसी मस्जिद में वो मुकाम भी वाकया है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुखारी में अबू हुरैरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगम्बरे इस्लाम ने कहा था कि मेरे घर और मस्जिद नबी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। 1400 वर्ष से ज्यादा कदीम मस्जिद आज वसत पाते पाते कदीम मदीना शहर की हदूद से बाहर तक फैल गई है और सारा इलाका जो इस्लाम के इब्तदाई दौर का शाहिद है अब इसका
हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थीं, जैसे कि रोजा रसूल, जहां दो सहाबा अबू बकर और उमर भी दफन हैं, पैगम्बर इस्लाम की अहलिया हजरत आयशा का हुजरा, पैगम्बर इस्लाम की दीगर बीवियों के मकानात, गुज़श्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वसअत के नतीजे में अब उसके अंदर आ गए हैं। 1441 बरस कबल ये मस्जिद पैगम्बर इस्लाम के घर से मुत्तसिल जगह पर 632 ईस्वी में तामीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मरतबा इसको वसअत दी जाती रही। 1909 में जजीरा नुमा अरब में मस्जिद नबी वो वाहद इमारत थी जहाँ रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जो अब भी तकमील के मराहिल में है। कहा जाता है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद हर वर्ष करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। नाज़रीन, में आइंदा किसी दूसरे मुकद्दस दिन इसी सिलसिले की मजीद ईमान अफरोज तफसीलात आपके गोश गुजार करूंगी। इस्लामी मुकामात से मुतालिक मालूमात और दीगर अहम मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।